वैसे तो विजयदशमी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदूवादी संगठन आरएसएस इसे कुछ अलग तरीके से मनाता है। विजयदशमी के पर्व पर आरएसएस शस्त्र पूजन करके देश की रक्षा का संकल्प लेता है। आरएसएस द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शस्त्र पूजन के साथ ही झांसी में संगठन के लोगों ने देश की रक्षा का संकल्प भी लिया। विजयदशमी और स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा झांसी के SPI इंटर कॉलेज में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें संघ के शाखा अध्यक्ष ब्रजेंद्र के साथ कार्यकर्ताओं ने शस्त्रों की विधिवत पूजा की। आपको बताते चले कि विजयदशमी के दिन ही सन 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर बलराम हेडगेवर द्वारा नागपुर में की गई थी। इस दौरान शाखा अध्यक्ष ब्रजेंद्र ने कहा कि विजयदशमी पर्व का संबंध विजय से है और आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी। यह विजय किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति पर नहीं, यह विजय अधर्म पर धर्म की विजय है। देखिए, शस्त्र पूजन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये परंपरागत अपना कार्यक्रम है जो बहुत वर्षों से चला आ रहा है, और इसलिए शस्त्रों का पूजन साल में एक बार होता है, तो चला आ रहा बहुत दिन से। भाई, शस्त्रों की पूजन अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने पड़ते हैं। हमारे जितने देवी देवता हैं उनके पास ही शस्त्र हैं, तो उन्होंने भी अपनी रक्षा के लिए रखे हैं, तो चूंकि हम उनके वंशज हैं तो हम अपने पास भी शस्त्र रखे हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए। किसी को सताने के लिए, डराने के लिए नहीं रखना है, आत्मरक्षा के लिए रखना है। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।